नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 13 नवंबर 2019, और अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूं, साथ ही टेलीग्राम पर। लेकिन आज सबसे पहले टेलीग्राम सब्सक्राइबर से मैं माफ़ी मांगूंगा, कोई भी स्टॉक्स मैंने आज प्रोवाइड नहीं किया दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मेडिकल इशू है, घर में डेंगू हो गया है दो फैमिली मेम्बर को, मेरी बेटी और मेरी माँ दोनों को, इसके वजह से मैंने कोई भी तो टोटल डॉक्टरी चक्कर में पड़ा रहा, कोई स्टॉक्स नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो यूट्यूब के 3 स्टार सेक्शन में दिया था एक दिन पहले ही, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, किस स्टॉक्स में टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कल मैं बना रहूँगा थर्सडे को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और प्रोवाइड करूँगा लाइव मार्केट में भी टेलीग्राम पे कॉल्स, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, पहला स्टॉक मैंने ओरो फार्मा कर दिया था दोस्तों, 440 के ऊपर बाय, और पहला टारगेट 443 था, दूसरा 446 और तीसरा 449 का था। स्टॉक्स ने देखिए जो हाई लगाया वो 458 का लमसम का लगाया, तो सारे टारगेट तो रिजल्ट डन हो गए, है ना। आपने कहीं पे भी खरीदा तो यहाँ पे आपको पोजीशन आराम से मिला। दूसरा, 431 के नीचे सेल करना था, सेल के लेवल को अगर आप देखेंगे तो 431 को आपने यहाँ कहीं पे लगभग 2:15 के आसपास 431 का ऑर्डर हिट हुआ है, और जो पहला टारगेट था 428 का था, तो स्टॉक ने 427.65 का लो लगाया, यानी सेल साइड का एक टारगेट अचीव हुआ, बाय साइड के सारे टारगेट अचीव हुए। दूसरा स्टॉक दिया था दोस्तों मैंने कोटक बैंक में, कोटक बैंक को 1620 के ऊपर बाय करना था। देखिए, पहली कैंडल जैसे कि पता है इग्नोर करते हैं, सेकेंड कैंडल से हम लोग काम करते हैं। सेकेंड कैंडल 1620 के ऊपर से निकला, देखिए 1600 लो जो लगाया 1619.65 का, बिल्कुल यहाँ बाइंग 1620 के ऊपर बाय लेना था, बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, और पहला टारगेट 1628 का था, तो स्टॉक्स ने देखे जो हाई लगाया 1628 का ही हाई लगाया एग्जैक्ट, यानी एक टारगेट डन हो गया। और सेल के लिए 1608 के नीचे सेल करना था, यानी यहाँ कहीं पर आपने सेल किया होगा 1608 पर यहाँ पे, तो आपने सेल साइड का स्टॉप लॉस आपका कट गया, यानी कोटक बैंक में जो आपने बाय में प्रॉफिट कमाया, सेल में वो लॉस हो गया, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट खत्म हो गया, इसमें एक बाय का टारगेट आया, सेल का एसएल हिट हो गया। ओरो फार्मा में आपको सारे टारगेट अचीव हुए बाय के, और सेल का एक टारगेट अचीव हुआ। तीसरा स्टॉक इन्फोसिस दिया था दोस्तों, 708 के ऊपर बाय करना था, 708 तो आज पूरे दिन भर गया नहीं तो बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, और 700 के नीचे सेल दिया था। देखिए, 700 के नीचे अगर आपने यहाँ इस पहले कैंडल को इग्नोर करते और यहाँ कहीं पे भी सेल किया है 700 के नीचे, 698 इस कैंडल का सेकेंड कैंडल का हाई है, 698.60 यानी 699 का लगभग हाई है, और इसने तो पूरा 700 का ही हाई लगाया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर आपने सेल भी किया है 700 के नीचे, तो आपको पहला टारगेट 694 का था, जो कि आपको यहाँ पे अचीव हो गया 694 का टारगेट। दूसरा टारगेट था 689 का, तो वो भी टारगेट आपको 689 का अचीव हो गया, यानी दो टारगेट सेल के अचीव हो गए इन्फोसिस में। तो दोस्तों, इसके अलावा आज तो मैंने कोई स्टॉक दिया ही नहीं था, तो 3 स्टॉक देता हूँ 3 स्टार सेक्शन में, जैसा कि आपको पता है एक दिन पहले, जिसमें ओरो फार्मा, कोटक बैंक और इन्फोसिस दिया था मैंने। इन्फोसिस में 3-2 टारगेट अचीव हो गए सेल के, कोटक बैंक में बाय का टारगेट आया, सेल का एसएल कट गया, और ओरो फार्मा में सारे टारगेट अचीव हुए बाय का, और सेल का एक टारगेट अचीव हुआ। तो ये था दोस्तों मेरा ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।